गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्लास फोर मैथ्स है। आज हम आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ फाइव डिजिट एंड सिक्स डिजिट नंबर बताने जा रहे हैं। आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। सब्ट्रैक्शन में जो नंबर होता है, ऊपर का नंबर, नीचे का नंबर, जो डिफरेंस होता है, माइनस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन जब भी होता है दो नंबर के बीच होता है, बड़े वाले नंबर को, लार्जर नंबर को क्या बोलते हैं और स्मॉलर नंबर को क्या बोलते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। आप लोग बता सकते हैं कि अगर कोई पूछ दे कि सब्ट्रैक्ट जो हम करते हैं लार्जर नंबर को क्या बोलते हैं, तो क्या आप बता पाइएगा? तो कम से कम आप इतना याद जरूर रखिएगा कि उसमें मिनिमेंट और सब्ट्राहेंट दो होते हैं। अब लार्जर नंबर मिनिमेंट होता है या लार्जर नंबर सब्ट्राहेंड होता है, ये आपको कैसे मालूम होगा? तो आप लोग ए टू जेड में देख सकते हैं। ये हम आपको याद कर रखने के लिए कि हाँ आप कैसे याद रख सकते हैं कि लार्जर नंबर को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलर नंबर को क्या बोलते हैं। तो इसके लिए ए टू जेड में देखिए आप, ए बी सी डी ई एफ जी एस लिखते हैं ना, ए टू जेड। तो ए टू जेड में देखिये सब्ट्राहेंड है और मिनिमेंट है। मिनिमेंट का स्टार्टिंग क्या है, अल्फाबेट एम है और सब्ट्राहेंड का क्या है, एस है। तो ए टू जेड में सबसे पहले क्या आता है, एम आता है, उसके बाद एस आता है, मिनिमेंट और तब आता है सब्ट्राहेंड। पहले एम आता है, देख सकते हैं जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, बाद में एस आता है। तो पहले एम आता है उसके बाद एस आता है। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि m माइनस एस जब भी करते हैं क्या करते हैं, m माइनस एस करते हैं। मिनिमेंट जो होता है वो लार्जर नंबर होता है और सब्ट्राहेंड जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलर नंबर होता है। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप लोग भूलिएगा नहीं, कभी भी नहीं भूलिएगा अगर ऐसे याद रखिएगा। तो कैसे कि m पहले आता है s बाद में आता है, तो m को हमेशा ऊपर लिखना है, s को हमेशा नीचे लिखना है। वैसे दो नंबर को देख करके तो हम लोग ये लगा सकते हैं कि ये बड़ा नंबर है तो ये ऊपर जाएगा, छोटा नंबर नीचे आएगा। लेकिन आप लोगों को ये कैसे पता होगा कि लार्जर नंबर ही मिनिमेंट है और स्मॉलर नंबर सब्ट्राहेंड है? तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, इसे मैं आपको ऐसे याद रखने के लिए बताया है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल आपके बुक में पेज नंबर 32 पे। आज हम बता रहे हैं इतना पेज नंबर है आपका 32। इसमें एग्जाम्पल पहले देखते हैं, एग्जाम्पल किस चीज का एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लिखे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फाइव डिजिट एंड सिक्स डिजिट नंबर। सब्ट्रैक्ट, ये जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कितना, फाइव डिजिट नंबर का और सिक्स डिजिट नंबर का, विदाउट बोरोइंग, मतलब इसमें बोरोइंग नहीं लेना है। अब बोरोइंग क्या होता है, बोरो लेना। तो जैसे हम लोग ऐड करते थे, ऐड में बताया था आपको कि अगर कोई दो जैसे वन प्लस पे ऐड करने के बाद टू डिजिट नंबर हुआ, कैरी लेना, कैरी होता था उसमें। जैसे हम आप लोग कुछ एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर देते हैं कुछ सब्ट्रैक्ट का। तो ये बोरो क्या होता है, अभी हम पहले बताते हैं आपको बोरो क्या होता है। बोरो और कैरी अगर ऐड है ये सिक्स नाइन, ये क्या है, नाइन है और फोर, नाइन और फोर ऐड करेंगे तो क्या होगा, नाइन फोर थर्टीन, थर्टीन का थ्री वन यहाँ होगा, एट और सिक्स फोर्टीन और वन फिफ्टीन, वन फिफ्टी थ्री। तो ये जो वन यहाँ पे आया नाइन फोर, नाइन प्लस फोर की क्या हुआ थर्टीन, थर्टीन का थ्री लिखे वन क्या हो गया, ये कैरी हो गया यहाँ पे। इसको हम लोग कैरी कहते हैं, जो ज्यादा हो जाता है साइड वाले नंबर को, जो भी डिजिट होता है उसको हम ऐड करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, कैरी करना हुआ। अब जस्ट अगर किसी का हम किसी को माइनस में लिखे एट फोर सिक्स नाइन, अगर यही सेम सेम यही डिजिट लिख करके माइनस में देखते हैं, यहाँ पे क्या है आपका, मैनुअल का वंस प्लस पे क्या है फोर है और सब्ट्रैक्ट का वंस प्लस पे क्या है नाइन है। क्या फोर में कभी नाइन माइनस हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास फोर पेंसिल है, चार पेंसिल है आपके पास और आपकी क्लास में बहुत बच्चे हैं, सारे बच्चे आपसे मांग रहे हैं, कोई नौ नौ बच्चे हैं,
नाइन चिल्ड्रन, आपसे मांग रहे कि हमको पेंसिल दीजिए, तो क्या आप वो चार पेंसिल में दे सकते हैं सबको? नहीं दे सकते हैं, तो ये माइनस नहीं हो सकता है, तो हम दे नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी से मांग सकते हैं, आप अपने घर में पेरेंट्स से मांग सकते हैं। तो यहाँ बगल में क्या एक है, तो यहां से जो हम मांगेंगे उससे कि हमको चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, बोरो। बोरो लेके माइनस किया जाता है। अगर देखेंगे ऊपर वाला डिजिट छोटा है, नीचे वाला डिजिट क्या है, बड़ा है, तो उसको बोरो कहते हैं। शायद आप लोग जानते भी होंगे सब्ट्रैक्ट करना, और जिनको नहीं आता है वो देखिएगा जरा अच्छे से। अभी हम विदाउट बोरो, इसमें क्या है, विदाउट बोरोइंग। अभी जो ये जो सब्जेक्ट है ये बिना बोरो वाला है, इसमें बोरो नहीं लेना है। और उसके बाद अभी जस्ट सिखाएंगे विद बोरोइंग, बोरो कैसे लिया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझाने के लिए हम लिख दिए, बनाए नहीं है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल किसका, तो विदाउट बोरोइंग का एग्जाम्पल में है सब्ट्रैक्ट 17432 फ्रॉम 38664। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको दो नंबर दिया रहे, अगर बीच में फ्रॉम होगा, तो फ्रॉम मीन्स क्या हुआ कि हमको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, तो 38664 में 17432 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं जिसमें प्लेस वैल्यू में, प्लेस वैल्यू चार्ट में 1, 10, 100, 1000, 10000। अब मैन्यूम में कौन सा जाएगा, मिनिमम जो होगा नंबर वो कौन सा होगा, तो बताएं आपको कि लार्जर नंबर जो है वो क्या है, मिनिमम एंड है, तो लार्जर नंबर क्या है, ये है, तो ये आपका मिनिमम एंड होगा 38664। और सब्ट्रैक्ट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा 17432, इसको हम माइनस करेंगे। तो मिनिमम एंड जो है, मिनिमम एंड का क्या है, नंबर वन प्लेस पे क्या है, फोर है, फोर में टू को माइनस करना है, फोर में अगर टू को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, टू। सिक्स में थ्री को माइनस करेंगे, आप देख रहे हैं इसमें कि हर एक डिजिट पे, हर एक प्लेस पे जितने भी नंबर है, जितने डिजिट हैं, वो सारे क्या है, नीचे की तुलना में ऊपर बढ़े हैं। अगर हम नीचे के डिजिट को देखें और ऊपर के डिजिट को देखें, तो सारा डिजिट क्या है, नीचे से बड़ा है ऊपर, आप लोग देख रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट का जितना भी डिजिट है, मिनिमम एंड के डिजिट के कंपेरिजन में क्या है, छोटा है, तो इसीलिए कहीं भी हमको बोरो की जरूरत नहीं होगी। तो ये क्या है, विदाउट बोरोइंग, विदाउट बोरोइंग इसी को कहते हैं कि हमको बोरो नहीं लेना पड़ेगा, ये मिनिमम एंड का जितना भी डिजिट है वो सब्ट्रैक्ट एंड के कंपेयर में बड़ा होगा। आप देख रहे हैं इसमें एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे क्या होगा, थ्री होगा, फोर का टू, सेवन का वन, सेवन वन एट, थ्री में वन जाएगा तो टू, इसका आंसर ये होगा। अब है इसमें सेकंड नंबर एग्जाम्पल जो आपका दिया है, ये फाइव डिजिट नंबर था, इसमें सिक्स डिजिट नंबर दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल जो है वही है। जैसे एड हम स्टार्ट करते थे, सबसे पहले हम क्या करते थे, वंस वाले पार्ट को माइनस करते थे, फिर टेन को करेंगे, फिर हंड्रेड को करेंगे, फिर थाउजेंड को, तब टेन थाउजेंड को, समझ गए। सबसे पहले हम वंस डिजिट को करेंगे, फिर टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड। अब हम एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ये बताएं विदाउट बोरोइंग का। अब हम एक बोरो वाला बताते हैं कि बोरो कैसे रहते हैं, जैसे जिसको हिंदी में कहते हैं हासिल लेना, हासिल वाला सब्ट्रैक्ट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हम लिखते हैं, अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं किसका, विद बोरोइंग का। बोरो कैसे लिया जाता है वो आपको बताएंगे, ऐसे जो था विदाउट बोरोइंग था वो तो आप लोग कर लिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन ये थोड़ा अच्छे से देखिएगा, केयरफुल्ली थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैसे हम ले रहे हैं, कैरी कैसे ले रहे हैं, कैसे हम बता रहे हैं आपको, तो
पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप ही के बुक में सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 18544 फ्रॉम 45412 ठीक है, 18,544 और उसको फ्रॉम 45412। अब आपको फ्रॉम मीन्स बता चुके हैं कि माइनस कैसे करना है, तो ये इसको इससे माइनस करना है। जैसे अगर रहेगा 4 फ्रॉम 8, अगर आपको ये क्वेश्चन से कितना ही दिखे इसको क्या करना माइनस करना है, कैसे तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। ठीक उसी तरीके से इसको हम ऊपर लिखेंगे, ये क्या है आपका मिन्यूएंड है, ये क्या है सब्ट्राहैंड है। मिन्यूएंड और सब्ट्राहैंड पहले हम पहचान लेंगे कि कौन क्या है, आपको बताए थे अल्फाबेट से सबसे पहले एम आता है तो मिन्यूएंड हो गया बड़ा, और फिर उसके बाद नीचे छोटा होता है तो वो क्या हो सब्ट्राहैंड हो गया। आप याद ऐसे रख सकते हैं। पहले हम इन नंबर को क्या करेंगे अरेंज करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट पे, 1, 10, 100, 1000, 10000, 45412 और 18544। अब माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का जो आंसर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आप लोगों को मालूम है, उसको हम डिफरेंस करते हैं। क्या बोलते हैं डिफरेंस। सब्ट्रैक्ट में आपको फर्स्ट डे ही बताया था कि मेन्यू एंड होता है, सब्ट्राहैंड होता है, डिफरेंस होता है। अगर हम किसी भी नंबर को जैसे ये क्या है आपका 8 लार्ज नंबर है तो ये क्या है मेन्यू एंड है, छोटा है छोटे में माइनस करते हैं तो ये क्या है सब्ट्राहैंड है, और ये आंसर जो है आपका वो होगा आपका डिफरेंस। क्योंकि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है 4 चैप्टर नंबर क्या है हाँ 3A है, 3A का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपको यही है कि आपको उसमें अरेंज करना कि मिन्यू एंड क्या है सब्ट्राहैंड क्या है और डिफरेंस क्या है। इसलिए हम आपको बार बार बोले हैं बोल बता रहे हैं कि मिन्यू एंड क्या होगा सब्ट्राहैंड किसको बोलते हैं और डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं अब क्या है ये विद बोरोइंग, अब हम नंबर को प्लेस वैल्यू पे अरेंज कर दिए हैं और उसके बाद अब माइनस करने वाले हैं। तो सबसे पहले माइनस किधर से करते हैं वंस प्लेस से, एड भी हम करते थे वंस प्लेस से तो माइनस भी हम उधर से ही करेंगे राइट हैंड साइड से वंस प्लेस से। अब वंस प्लेस हम देखते हैं कि मैन्युअल में जो नंबर है उसका डिजिट क्या है 2 है, सब्ट्राहैंड में क्या है सब्ट्राहैंड का डिजिट है 4, 2 और 4 में। अब इसमें देखते हैं कि सब डिजिट बड़ा होना चाहिए था मैन्युअल का, लेकिन यहाँ तो सब्ट्राहैंड का डिजिट बड़ा है नीचे वाले का क्या ये 4 है, अब 4 में 2 में तो 4 जाएगा नहीं तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो हम बोरो लेंगे इससे, तो 10 प्लेस से 10 प्लेस से 1 बोरो लेंगे हम 12 में। आप लोग जब भी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा अगर बोरो लीजिएगा तो आपको उस नंबर को कट करना है, बुक में तो वैसे कट करने के लिए नहीं बताया लेकिन आप लोग करना है थोड़ा स्टार्टिंग में कर लीजिएगा केयरफुली। कैसे कट करना है तो इसको कट कर देना है, यहाँ 1 से हम यहाँ पे ले लिए हैं बोरो तो यहाँ पे आपका क्या बचा 0, क्योंकि 1 में हम 1 ले लिए और यहाँ पे क्या हुआ आपका 12। अब यहाँ पे 12 कैसे हुआ ये भी आप लोगों को बता देते हैं। तो ये क्या है 1 जो है ये 10 वैल्यू पे, हम सिर्फ इतना लेकर के बताते हैं अभी, ये क्या है 1 और 2 4 4 ओ टी, 1 स्पेस में क्या है 2 है 110 है, क्या 110 कैरी लिए है तो 110 कैरी लिए तो ये है 110, तो 110 मीन्स क्या हो गया 110 मीन्स हो गया आपका 1 × 10 10 10 इधर कैरी लिए 10 प्लस 1 स्पेस में क्या था तो आपका 2 था तो 10 कैरी लिए तो 10 क्या हो गया एड हो गया ये हो गया 12। यहाँ पे जब भी हम कैरी लेंगे वैसे तो हम डायरेक्ट यहाँ नंबर के आगे ही 1 लगा देंगे जो भी नंबर होगा, जैसे आप अभी आप आगे देख सकते हैं हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं आपको, आपके बुक में लिखा हुआ भी है स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। तो स्टेप 1 अभी बता रहे हैं कि अगर 1 प्लस पे 2 है 4 है माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो हम 10 प्लस से बोरो लिए 1, यहाँ पे 12 हुआ तो यहाँ पे हम 2 कर 12 में 4 जाएगा क्या होगा 8,
वंस प्लेस का सब्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस पे देखते हैं मिन्यूएंड में आपका क्या है। मिन्यूएंड में है जीरो और नीचे है फोर। जीरो में फोर माइनस हो नहीं सकता, तो हम यहां से कैरी लेंगे। कहां से लेंगे? हंड्रेड से। हंड्रेड से कैरी लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? टेन। और यहां पे क्या बचेगा आपका? थ्री। अब हम टेन प्लेस पे क्या करते हैं? टेन में अगर फोर माइनस करेंगे तो क्या होगा? सिक्स बचेगा, तो यहां पर हम सिक्स लिख लेंगे। आपका टेन भी कंप्लीट हो गया। फिर हम हंड्रेड पे आते हैं। हंड्रेड के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे थ्री हो गया, यहाँ फाइव, ये छोटा है और ये बड़ा है। फिर हम यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्टीन हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका फोर। थर्टीन में फाइव जाएगा तो क्या होगा? एट। फिर यहाँ फोर में एट माइनस होगा नहीं। हंड्रेड तक कंप्लीट हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया। अब थाउजेंड पे माइनस कर लेंगे। थाउजेंड प्लेस पे क्या है? ऊपर में फोर, नीचे एट, माइनस नहीं हो सकता तो बोरो लेंगे। यहां से बोरो लेंगे, यहां थ्री बचेगा, यहाँ पे क्या होगा? फोर्टीन। फोर्टीन में एट जाएगा तो क्या होगा? सिक्स। और थ्री में वन माइनस होगा तो क्या होगा? टू। ये आपका है मिनिमेंट, ये सब्ट्रैक्ट, और ये क्या होगा आपका? डिफरेंस। आप लोगों को ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, कुछ भी डाउट हो आप लोगों को कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, तो फिर हम आप लोगों को सब्ट्रैक्ट बताएंगे। अगर आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आया कि वंस का हुआ टेंस का, तो हम कुछ ऐसा प्रॉब्लम रखेंगे कि ताकि आप लोगों को वंस का ही सिर्फ कैरी लेके बताएंगे, फिर सिर्फ टेंस का बताएंगे, फिर हंड्रेड का, थाउजेंड का, कुछ ऐसा क्वेश्चन हम देखेंगे। वैसे तो आपके एग्जाम्पल में ये था, तो इसमें क्या है, हर एक में मतलब वंस में भी कैरी लेना पड़ा, टेंस में भी, हंड्रेड में भी। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपका ऐसा होगा कि वंस में कैरी नहीं लेना पड़े, सिर्फ टेंस में लेना पड़े, फिर हंड्रेड में ना लेना पड़े, थाउजेंड में लेना पड़े। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका बोरो जो होगा, अच्छा हम कैरी बोलते हैं लेकिन बोरो होगा, मतलब बोरो लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा कि उसमें सिर्फ आपको हंड्रेड में ही बोरो लेना पड़े। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर एक में आपको बोरो लेना जरूरी है। बस हम लोगों को नंबर देखना है कि ऊपर का डिजिट जो है वो छोटा है या बड़ा है, सब्ट्रैक्ट की तुलना में मैन्युअल का डिजिट क्या है, बस ये देखना है। ये नहीं कि सब में आपका बोरो लेना जरूरी है, ये बात आप याद रखिएगा। सब्ट्रैक्ट का ये सब रूल है, ठीक है, आपका ये कर दिए। अब थ्री ए का आप लोग बनाइएगा। थ्री ए में चैप्टर में आपको जैसे बताए हैं सब्ट्रैक्ट एंड इसके बारे में कि इसमें क्या है, कौन सब्ट्रैक्ट है, कौन मिन्यूएंड है, और डिफरेंस क्या होगा वो आपको लिखना होगा। जैसे ए नंबर क्वेश्चन में है, माइनस करके डिफरेंस लिखना है, उसके बाद आपको आंसर पुट करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है जो हम माइनस बताए हैं। अब ये बोरो है या विदाउट बोरो है ये नहीं कह सकते, आप लोग खुद से कीजिएगा। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन में अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट। जैसे क्या ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको क्या किए, कॉलम में पहले अरेंज किए, प्लेस वेरिएबल को उसको कॉलम में अरेंज कर दिए। सही तरीके से आप कॉलम में अरेंज कीजिएगा नंबर को, डिजिट को सही सही प्लेस, जैसे प्लेस वैल्यू लिखिएगा, डिजिट को सही मात्रा में अगर आप लिखिएगा, नहीं तो अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इधर उधर हो गया, तो आपका आंसर गलत आ सकता है। थ्री नंबर फोर नंबर में भी वही है, इसमें मेन्यू सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, इसमें डिफरेंस निकालना है। और फाइव नंबर क्वेश्चन है बॉक्सेस को फिल करना है, तो आप लोग कीजिएगा, नहीं होगा तो हम बताएंगे फिर। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।